हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आई वीडियो इन चैनल गाइस। सिंपली आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, यदि आप फोन कर पुश कर रहे हैं, डुओ सोलो या स्क्वायर टीपीपी या आईपीपी किसी भी कर रहे हैं, तो गाइस आपको अपनी रैंक चेक करनी है तो वो कैसे करेंगे। आज के इस वीडियो में आपको रैंक चेक करना भी सिखा दूंगा और आपको कौन कौन कितने पॉइंट चाहिए रहती है ये भी साथ साथ बता ही दूंगा। तो फटाफट सी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ जो घंटी रहती है उसे ऑल पे सेट कर दो। गाइस इतना काम आपने करिए, चलिए आपको बताते हैं कि गाइस आप अपनी रैंक कैसे चेक कर सकते हैं। तो फटाफट हम चलते हैं सबसे पहले एरो पे। राइट हैंड में आपको एक एरो दिखता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ आपको रैंक पे क्लिक करना, ठीक है। रैंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको ये यहाँ पे देखिए, मैं आपको देखिए शो कर रहा हूँ, ये फिंगर से गोल गोल घूम रहा है, यहाँ आपको माई रैंक शो कर रहा है, ठीक है। आपका मिडल में नीचे आपको माई रैंक लिखा दे रहा है, यहाँ पे ये आपके माई रैंक लिखा दे रहा है। गाइस यहाँ पे नीचे आप देखिए टॉप 7% में चल रहा हूँ, आपकी भी कुछ ना कुछ रैंक चल रही होगी, ठीक है। तो यार जैसे आप ये मेरा स्क्वाड का है टीवीपी स्क्वाड, यदि आपको स्क्वाड में डुओ पकड़ना तो डुओ पे क्लिक कर दीजिए, आपको सोलो पकड़ना सोलो पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। ये मैं आपको टीवीपी का दिखा रहा हूँ, 6 तरीके से आप फोन को लगा सकते हैं, टीवीपी में 3 तरीके से और एफपीपी में 3 तरीके से। ये आपका एफपीपी खुल गया, एफपीपी सोलो है, ये एफपीपी डुओ है और ये एफपीपी स्क्वाड है, और इन तरीके से आप फोन को लगा सकते हैं। अब बात करते हैं टीपीपी की, यहाँ मैं स्क्वाड में 7% पे चल रहा हूँ। तो जैसे आप पॉइंट्स को बढ़ाएंगे अपने, यानी कि आप रैंक पुश करेंगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, तो ये आपकी रैंक घटती जाएगी, ठीक है। 7% से 6% होगा, 6% से 5 होगा, 5 से 4 होगा, 4 से 3 होगा, 3 से 2 होगा, 2 से 1 होगा। अब एक के बाद आपको सोचने मजबूर हो जाते हैं कि अब एक के बाद क्या होगा, तो अगर मैं आपको बता दूँ, एक के बाद जो आपकी 10,000 के रैंक अंदर आ जाती है, तो गाइस जैसे आप 10,000 के अंदर आ जाते हैं, फिर आपके 10,000 से 9,000, 9,000 से 7,000, जैसे ही आप 500 के अंदर आ जाएंगे, यानी कि 500 के अंदर आप आ जाएंगे तो आपको काउंटर मिल जाएगा। बट इसमें भी एक कंडीशन रहती है, कंडीशन क्या रहती है, आपको 500 की रैंक में ही रहना होगा, यानी आप 500 की रैंक में आ गए फिर 500 रैंक से बाहर हो गए, आपको सुबह 5:30 बजे तक 500 की रैंक के अंदर होना होगा, तभी आपको काउंटर मिलेगा, अदरवाइज आपको काउंटर नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपको समझ में आएगी इतनी बात। तो गाइस अब बात करते हैं पॉइंट्स की, कितने पॉइंट्स में आपको काउंटर देखने को मिल जाता है। सिंपली चलते पहले पॉइंट्स पर, जैसे आप सीजन पर क्लिक करते हैं तो ये आप न्यू अपडेट आपको देखने को मिल जाता है कि आप सीजन पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए सेट सीजन गोल पर जैसे क्लिक करेंगे आज, तो यहाँ पर देखिए काउंटर 6,094 पॉइंट पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। 5,500 में हमारा एज डोमिनेटर है, एज 5,600 पर एज डोमिनेटर के 15 पॉइंट है, तो गाइस यहाँ पर देखिए 6,094 में मुझे कौन मिल जाएगा। यदि मैं 6,094 पॉइंट कर लेता हूँ तो मैं कौन कौन ले सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे 1600 पॉइंट अभी चाहिए, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, अभी देखिए लास्ट वन जहाँ तो चल रहा है हमारा, वो कितने पॉइंट पर है देखिए, आपको 100 में आपको 500 भी दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ जो लास्ट वन जो चल रहा है 6,336 पर है, यानी कि आपका जो 500 बंदा है वो आपका 6,094 में बैठा हुआ है, ठीक है। लास्ट बंदा आपका 6,094 बैठा हुआ है। यहाँ पे सीएन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, मेरे भी 4,400 पॉइंट हुए, जैसे मैं 6,000 पॉइंट कर लूँगा, यानी कि कुल मैं आगे 6,100 पॉइंट कर लूँगा तो मेरे काउंटर लग जाएगी। पहले ये आपका ये सेटिंग और टायर गोल्ड आपका नहीं देता था, बट आपको अब देने लग गया है, ठीक है। तो गाइस आप भी जाइए और कर सकते हैं, ठीक है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं होता, आप भी जाइए रैंक पुश कर सकते हैं। मैंने आपको सब समझा दिया है कि आपकी रैंक कैसे आप चेक कर सकते हैं, कैसे आप पॉइंट कितने कर सकते हैं, तब आपको काउंटर मिल जाएगा। ये आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ जो घंटी रहती है ऑल पे सेट कर दो। मिलते हैं आपको अगली किसी अच्छी वीडियो, तब तक आप ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।